आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर आपके पास, इफ मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे 1 लैम्डा एंड 1, इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है, और आपकी ये क्या है 1 × 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 × 3 है, ठीक है। जैसे सेकंड मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, ये आपकी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर ये आपकी क्या है 3 × 1 की मैट्रिक्स है, और ये आपके एलिमेंट गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, तीनों की तीनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। तो मतलब ये है कि आप क्या करोगे, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, अपन को क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट को मैं क्या करूंगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर कि भाई ये आपके पास 1 लैम्डा और ये 1 हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है आपके पास, 1 3 2 0 5, ठीक है, और ये 1 हो गया, और ये 0 3 एंड 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपकी सेकंड मैट्रिक्स। और थर्ड मैट्रिक्स क्या दी हुई है, लैम्डा 1 एंड -2 गिवन है आपके पास, और इजिकल टू में किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है कि आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसका तो अपन को क्या लेना है, रो लेनी है, ठीक है, और सेकंड वाले की अपन को क्या लेनी है, कॉलम लेनी है, ठीक है। तो उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना, मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, इसमें 3 एलिमेंट है, और सेकंड अपन के देखो इस कॉलम में भी 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब सेकंड को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो बीच में क्या करेंगे अपन, इसके प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो लैम्डा और 0 को मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर से थर्ड को करेंगे तो प्लस लगाया, और 1 को किससे किया, 0 से, तो ये भी आ गया 0। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड वाली जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 को 3 से करा तो आप देखो अलग अलग करके लिख देंगे 3। लैम्डा को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 5 लैम्डा। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड वाली कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लैम्डा आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो ये बन गया आपकी मैट्रिक्स, किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट बन गया है। और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, लैम्डा 1 एंड -2, ठीक है, और इजिकल टू में आपने 0 मैट्रिक्स लिख दी। और इसको सोल्व करके क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखो आपको पता है 1 1 0 0, तो ये तो हो गया 1। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 5 लैम्डा आ जाएगा, और 2 + 2 ये हो गया आपके पास 4, और ये प्लस का लैम्डा, और लैम्डा की तो वैल्यू आपको वैसे भी लेके आनी है ना। और ये लिखा लैम्डा 1 एंड -2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, इसको 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब क्या करेंगे, वही सिमिलर वापस से कि ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको सेकंड मैट्रिक्स का आपसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसकी तो लेनी है रो, और इसकी क्या लेंगे अपन, कॉलम, और एक एक करके इनको एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 को क्या करना अपन ने, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया लैम्डा, फिर बीच में प्लस, और फिर सेकंड वाले एलिमेंट को 1 से किया तो ये आ जाएगा 6 + 5 लैम्डा, फिर प्लस लगाया। इसके बाद 4 + लैम्डा किससे कर रहे हैं, इससे, तो ये आ जाएगा -2, और किससे कर रहे हैं, 4 + लैम्डा से, और इजिकल टू में क्या आ जाएगा, 0, 0 मैट्रिक्स से तो 0 आ जाएगा। और अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं। तो देखो ये तो हुआ लैम्डा 6 और 5 लैम्डा। अब देखो -2 है, -2 अंदर मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये प्लस तो वैसे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो हुआ माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये होया 8, और 2 को इससे किया तो ये होया आपके -8 लैम्डा, और इजिकल टू 0। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, तो ये हो गया आपके पास 6 लैम्डा, और ये -8 लैम्डा। ऐसे देखो 6 - 8 कितना हो जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 0। और अब आगे सोल्व करते हैं इसको, तो सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 6 में से 8 मतलब ये हो जाएगा -2 लैम्डा, और -2 = 0। तो यहाँ से सोल्व किया तो -2 लैम्डा = इसको भेज देंगे इधर, तो माइनस से तो क्या हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगा। और आगे सोल्व करोगे तो λ = क्या आएगा, देखो 2 upon -2, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, λ = -1, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।